Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. इनाम तुम कंफ्यूज हो या फिर तुम कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और भाई देवी तुमसे किसने कह दिया है कि इस रिश्ते से कोई भी खुश नहीं है? कंफ्यूजन ही तो है चाचा। देखिए, अगर एक जोर किस पे हुआ, एक पे, एक लड़का और लड़की की मंगनी और शादी हो रही है तो उनकी राय आया होती है और सीधा सीधा सबको पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यहाँ कौन किसकी वजह से राजी हुआ यही पता नहीं चल रहा। इनाम, इनका तुमने नहीं किया, अनमता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक अबीर अबिया का ताल्लुक है मेरा ख्याल है उनको भी कोई मसला नहीं है। क्यों खामखा उदासी फैलाने की कोशिश कर? क्या पता कौन खुश है और कौन मजबूर। वैसे कितने अफसोस की बात है, तुमने आज तक अनमता से कभी भी ये बात डिस्कस नहीं की। और जो उसने मुझे कसूरवार ठहराया तो चलो शुरुआत तुमसे कर दें। नहीं, पहले अनमता की मर्जी मालूम कर लेते। कुर्बानी देना चाहते या फिर किसी को बेबसी और बेकसी दिखाना चाहते? अब दिखाकर भी क्या कर लेंगे। इनाम, अब वक्त बहकने का नहीं है, खुद को समझाने और समझदारी दिखाने का है। अंडरस्टूड? बड़े भाई साहब, वो आप कुछ और खाएंगे क्या बताएं? चिकन। चिकन खाएंगे? मैं लेके आ। कितना मजा आया। तुम्हें अच्छी लगी ना सारी चीजें? बहुत अच्छी। क्या जरूरत थी इतनी खरीदारी करने की? राहिला मेरी सगी बहन और मेरे घर के हालात से वो अच्छी तरह वाकिफ है। ओहो, मैं आप ही क्यों नहीं समझती कि हम अपने से ऊपर हैसियत में रिश्ता कर रहे हैं। अबीर, तुम हर चीज को तराजू में क्यों तोलते हो? भाई ने अकाउंटिंग जो पढ़ी है इसलिए। अच्छा भैया, तुम बताओ, मैंने अपने से ऊंचे घराने में रिश्ता करके अच्छा किया है या? तो मैंने कब कहा कि बुरा है? और ये बात तो उनको भी मालूम है और उनके सोचने की है। और वैसे भी अम्मी, ये सब कुछ तो हम लोग सिर्फ दिखावे के तौर पर कर रहे हैं। एटलीस्ट इन चीजों से उन्हें ये तो पता चले कि हमारी सोच, हमारी पसंद ऊंची है। पता नहीं ये लड़का हर वक्त क्या आलतू फालतू बकवास करता रहता है। भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं हमेशा से इनाम को कजन से ज्यादा ही समझती हूँ, और अब जब रब ने मेरी सुन ली है तो आप क्यों मसले खड़े कर रहे हैं? बात मसला खड़ा करने की नहीं है अभी। हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये बात डालना चाहता हूँ कि शादी एक पार्टनरशिप है, और गाड़ी का एक पहिया छोटा और दूसरा बड़ा तो गाड़ी नहीं ट्रैक्टर लगता है भैया, और ट्रैक्टर भी चलता है, बेशक उसके आगे के छोटे पहियों और पीछे के बड़े। अभी हाँ, गाड़ी हो या ट्रैक्टर, चलाता तो बड़ा पहिया ही है, छोटा तो सिर्फ zigzag करता है। अंशरा, ऐसा करो तुम जाओ। मैं मामी? तुम तो सबको जानती हो, जाओ, सबसे डट के नेक मांगो और 100-100 रुपए नहीं चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, फिर गड़बड़ हो तो आप संभाल लीजिएगा। अब देखें क्या होता है, शुरू हो जाओ। Yeah.
अनमता भाई कहाँ हो? देखो तो क्या रौनक लगी है भाई, दादी ने आज जंबील खोल दी है। अनमता, अनमता कहाँ रह गई? जी नहीं, अब मैं क्यों बुलाऊंगी? वो इसलिए क्योंकि पहले आप सिर्फ कजन थे। मंगनी हो जाने के बाद खुद सुन लेना। भाई जब मौका आएगा ना तब, बस अभी नहीं। अब इसमें नाराजगी की क्या बात है? अरे अबीर, मीर का मान यार, नाराज मत हो। अबीर, अबीर, मेरे अबीर, खुश? आप कहाँ बच के जा रहे थे? अभी तक तो बचता रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आइए और शुरू हो जाइए। मैं डांस अब नहीं, डांस मुझे नहीं आता। आप लोग प्लीज डांस करें ना। ओहो, तो हम सिखा देंगे। नाचना तो आपको पड़ेगा और अब नेक भी डबल लेना पड़ेगा। जी हाँ, उंगलियों पर तो आप नचा ही देती। ठीक है, आप ना नाचे, सोच ले आपके भतीजा भतीजी की शादी, खुशी में तो नाचना ही पड़ता है। नहीं नहीं, आप नाराज ना हो, मैं आपकी खुशी में शामिल हो जाता हूँ। तो रंगे भर से भीगे तू नरवाली, रंगे भर से, ओ रंगे भर से भीगे तू नरवाली, रंगे भर से, ओ रंगे भर से भीगे तू नरवाली, रंगे भर से। देख नहीं लेंगी? नहीं, हाथ से लेना। तो डबल देना होगा। हाँ, एक भतीजी की और एक भतीजे की है। जी नहीं, मुझे थकाने का और अपने पीछे भगाने का। ये लेना प्लीज। और नहीं लेंगे? एक दफा से सारे क्यों नहीं दे देते? क्योंकि फिर आप चली जाएंगे। चांदी, ये चांदी है, आप इसको नेक दे दीजिए। ठीक है चांदी, अरब आया है दुबई से, पूरा कुआं खाली कर दो। लेकिन कभी दिल से नहीं समझा। नहीं नहीं अम्मा जान, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो तुम सबना जैसे क्यों बिहेव करती हो? एक बार भी इस घर का चक्कर नहीं लगाया। हाँ फजीला आपा, आप भी तो सगी खाला हैं। इनाम और अनमता भी तो आप पर उतना ही हक रखते हैं। इस तरह तो अबीर और अबीहा भी तुम पर हक रखते हैं, फिर हमारे घर ढोलकी पर क्यों नहीं आई? भाई मेरी तो बात किसी ने नहीं मानी। मैंने तो कितनी दफा कहा कि एक साथ ही निपटा देना चाहिए, तुम्हारे घर में हो जाती, तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो जाती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बच्चों ने अपनी खुशी जो करनी थी। भाई मंगनी में इतना शोर शराबा होना ही नहीं चाहिए, वरना शादी फीकी लगने लगती है। बच्चों का क्या है, हम आपस में शेयर कर लेते। चले मां,
जो होना था सो हो गया, बस दुआ करें कि तकलीफ खैरियत से हो। आमीन। अब देखिए अम्मा, हिसाब किताब के झमेले में रिश्ते में ऊंच नीच तो हो जाती है ना। हाँ हाँ, यही तो, और अभी तो शादी भी तो है। अम्मा जान, मैं इसी सिलसिले में आपसे एक बात कहना चाह रही थी। वो कहती है कि दो निकाह साथ नहीं होने चाहिए, वरना किसी एक जोड़े पर भारी पड़ सकते हैं। भाई तुम सिर्फ एक ही भारी जोड़ा लाई हो। नहीं फजीला, आप पर ये सब कहने की बात है। चलें, ये तो अपने अपने यकीन पर डिपेंड करते हैं, मगर अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। क्यों भाभी? लो डबल खर्चा। भाई मैंने तो जो बात सुनी थी वो आप लोगों तक पहुँचा दी। फजीला, पहले बात की तस्दीक तो कर लिया करो। है, और तुम लोग क्यों खामोश बैठे हो? चलो भाई बजाओ। चलो भाई। अरे हाँ चलो। तुम सारे पैसे चीजों पे खर्च कर दिए हैं या कुछ धर्म बचा के भी रखे हैं? नहीं, वो भाभी को मैंने। भाभी को? अम्मा सारे नहीं, थोड़े से दिए। और अच्छा है ना कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो बच्चों की खुशियां अच्छे तरीके से मना सकते। मैंने भी सारी जिंदगी उनकी खुशियां ही पूरी की हैं, अपने लिए कोई खजाना नहीं जमा किया। अगर आपको चाहिए तो हुक्म करें, अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास। आहिस्ता बोलो। मैं तो यूँ कह रही थी कि अगर एक हाथ में खर्चा हो तो मियाना रवि रहती है। तो क्या फर्क पड़ता है? एक काम करते हैं ना कि ये तकरीब जो है आप अपने नाम से करें। और हाँ, मुझे ज्यादा परेशानी अजहर भाई की है, मैंने उनका जोड़ा अभी तक नहीं देखा। मैं अभी समझ में कहाँ कहाँ भागू। राहिला को चाहिए अपने शौहर का ख्याल रखे, वो तो अपनी विवाह बहन और उसके बच्चों पर खर्च कर देती है सारे पैसे। अब देख लेना, तुम्हारा दिया हुआ भी ना अबीर और अबिया पे खर्च करेगी। चले अम्मा, वो भी तो अब अपनी फैमिली में आ रहे हैं ना, अपने ही हैं। और अगर थोड़े से पैसे देने से भाभी का एहसान उतर सकता है तो क्या ही बात हो। अम्मा मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, उन्हीं की वजह से हूँ। अम्मा मैं कैसे भूल सकता हूँ कि भाई और भाभी ने अपने बच्चों के दूध की फिक्र से ज़्यादा मेरी यूनिवर्सिटी की फीस की परेशानी ज़्यादा उठाई है। प्यार होता है सब कुछ। बिल्कुल बड़े भैया, मुझे भी तो प्यार बांटने दें। भैया आप तो बड़े अंदाता हैं, क्या सुंदर सूट लेकर आए हो मेरे लिए। जो लड़की तुम्हें पाएगी बड़ी सुखी रहेगी। भाई नाहिर की हिंदी तो उर्दू से ज्यादा अच्छी हो गई है। चलो कम से कम इंडियन फिल्म्स का कुछ तो फायदा हुआ, अलबत्ता उनकी तरह ड्रामे ना शुरू कर देना। आओ बैठो। अरे भाई मैं तो नई भाभी का इंतजार कर रही हूँ। आपकी बीवी को इस घर की महारानी ना बना दिया ना तो नौकरानी भी नहीं बनने दूंगी। नए सूट की कसम। भवानी, ये देखिए कितनी सारी मेहंदी लगाई है। बहुत प्यारी दी है ना। अच्छा तुमने बाजी का शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। नहीं किया, गंदी बच्ची।
शुक्रिया अदा करो. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी. बेटी भी कहती है और शुक्रिया भी अदा कर रही. शर्मिंदा क्यों करती हूँ मुझे. तो लीजिए बोझ बांटिए फिर. हाँ मैं आपकी मदद करवा देती. जी जी. ये क्या कर रहे हो रे. अरे इस नन्ही सी जान पे इतना बोझ. भाई चांदनी को बुलाओ. चांदनी. हाँ ये रह गया एक मिनट. नहीं नहीं ये तो यही का यही रखा रहता है. तुम दोनों निपटो भाई. मैं तो अंदर मेहमान हूँ. अच्छा आई एम सॉरी. चलो चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ. हाय 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 प्लीज. हाय हाय जी. एक्सक्यूज मी. क्या हुआ वो. जाने सर. हाँ सर. रहने दे. ऐसा ना हो कि जाने सर के. बेटे जरा बिया को कॉल तो करो. देखो वो पार्लर से कितनी देर में पहुंच रही है. आंटी मेरी उनसे बात हुई है. वो पार्लर से निकल चुके हैं. और हाँ उसको कह देना कि वो चादर लपेट कर. भाभी अभी यहाँ रास्ते में है. इनाम कहाँ है. अबीर कब से बैठा है. अच्छा नहीं लगता. तो इनाम है कहाँ.